बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जायका फूड चैनल। नाज़रीन, आज हमारी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल चने का सालन। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सफ़ेद चने आधा किलो, रात को हमने इसे पानी में भिगो दिए, एक चम्मच सोडा डाल के सुबह इसका पानी फेंक के इसको अच्छी तरह धो लें और इसको उबाल लें। जब ये अच्छी तरह इस तरह गल जाए तो इसका सारा पानी आपने फेंकना नहीं है, इसका दो गिलास पानी हमने रख लिया है, उबलते हुए चनों में से दो गिलास पानी हमने रख लिया है, ये हमें बाद में काम आएगा। दो अदद हमने टमाटर लिए हैं, इसकी प्योरी तैयार कर ली है। एक प्याली हमने ऑयल ले लिया है। दो लार्ज साइज के प्याज हमने बारीक बारीक काट के इनको ब्राउन करके पीस लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लिया है। 6 से 8 अदद हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, इसको बारीक बारीक काट लें। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ब्राउन किया हुआ पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून हमने लिया है साबुत धनिया पिसा हुआ ब्राउन किया हुआ, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ब्राउन किया हुआ, 2 टेबलस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। फ्लेम ऑन कर दी है, पैन हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। सबसे पहले इसको 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब टमाटर डाल देंगे, टमाटर प्यूरी। इसको मिक्स करेंगे। अब तमाम स्पाइसेस इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को उसमें। पांच मिनट तक इसे भुनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। फ्लेम हमारी मीडियम है। 5 मिनट तक हमने मसाले की भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ब्राउन किया हुआ पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही 1 गिलास या 1 प्याली पानी डाल देंगे ताकि ये प्याज भी गल जाए और ये मसाला भी गलने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के लिए अब इसे ढकना ढक के गलने के लिए रख देंगे साथ। मसाला हमने भून लिया, ऑयल अलहदा हो गया, पानी खत्म हो गया, मसाला भून चुका है। अब हम इसके अंदर चने डाल देंगे उबले हुए। इसको मिक्स करेंगे। अब इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। अब हमने 5 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली है चनों की मसालों के साथ। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अब हम इसमें जो चनों का पानी हमने 2 गिलास उठाया था
वो इसके अंदर ऐड करेंगे। जितना आपको गाढ़ा या पतला रखना है, मैंने गाढ़ा रखना है इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, आधा गिलास नहीं डाला। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा चनों के साथ। जितना आपने गाढ़ा रखना हो या शोरबा रखना हो बाप की मर्जी है, मैं इसे गाढ़ा रखूंगी। थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखते हैं। पांच मिनट हो गए इनको पकते हुए, चने हमारे तैयार हो चुके हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। पहले हरा धनिया, हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे, डाल दिया, धनिया डाल दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम ऑफ कर दें, चने हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल चने का सालन तैयार हो गया है, आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें खुश और आबाद रखे, नेक मकसद और नेक इरादों में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।